इंश्योरेंस, फाइनेंस और पब्लिक लाइफ से जुड़े वीडियोस के लिए फाइनटेक गाइड को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ने पर अब ATC, ATD और इस तरह के जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स थे या जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट थे उनका महत्व समाप्त हो गया। अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। लोग अब टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे। धीरे धीरे वो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट से बचेंगे, जैसे ELSS, PPF, LIC और दूसरी चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट वो करते थे वो टैक्स सेविंग के लिए नहीं करेंगे। लेकिन अब आने वाले समय में LIC या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की सेल और बढ़ेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? फाइनटेक गाइड ने इस पर रिसर्च किया और ये पाया कि आने वाले समय में इंश्योरेंस की पॉलिसी, विशेषकर लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ बढ़ेंगे, उनकी सेल ज़्यादा होगी। इसके पीछे एक रीज़न है, एक वैलिड रीज़न है। पहले लोगों का एक माइंड सेट बना हुआ था कि टैक्स बचाने के लिए हमें LIC में इन्वेस्ट करना है, PPF में इन्वेस्ट करना है, ELSS में इन्वेस्ट करना है या दूसरी जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर इन्वेस्ट करना है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के आने के बाद ये टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएंगी। लोग PPF और दूसरी जगह इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे और धीरे धीरे वो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट बंद होने के बाद लोग उन बचे हुए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करेंगे। क्योंकि अब लोग टैक्स सेविंग के लिए PPF, ELSS और दूसरी जगह इन्वेस्ट करते थे, तो अब जो पैसे उनके बचेंगे वो उन पर विचार करेंगे कि उनको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, उनकी सही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या हो। और जब वो अपनी फैमिली सिक्योरिटी और अपने एक फ्यूचर प्लानिंग करेंगे तो निश्चित रूप से सबसे पहले उनके दिमाग में ये बात आएगी कि हमारे नहीं रहने पर हमारे फैमिली की सुरक्षा कैसे होगी। तो इसके लिए वो निश्चित रूप से इंश्योरेंस पॉलिसीज की तरफ आएंगे। और जो पहले इधर उधर पैसे चले जाते थे PPF में, ELSS में या अन्य दूसरे इंस्ट्रूमेंट में वो पैसे जाते थे, अब धीरे धीरे कुछ ही महीनों के अंदर या कुछ वर्षों के अंदर वो इंश्योरेंस पॉलिसीज की तरफ आना शुरू होंगे। और लोगों के अंदर एक माइंडसेट बनेगा कि फ्यूचर को कैसे सिक्योर किया जाए। अब तो टैक्स सेविंग नहीं करनी है या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, पैसे तो हमारे टैक्स फ्री हैं। तो अब लोगों की सुरक्षा के लिए, यानी कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए या अपने फ्यूचर की सुरक्षा के लिए हम कहाँ इन्वेस्ट करें, तो निश्चित रूप से वो लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज की तरफ आएंगे और विशेषकर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की सेल बहुत अधिक बढ़ेगी। और निश्चित रूप से फाइनटेक गाइड की टीम ने जब इस पर रिसर्च किया तो पाया कि आने वाले समय में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की सेल बढ़ेगी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की सेल बढ़ेगी और विशेषकर जो LIC की पॉलिसीज हैं उनकी सेल काफ़ी ज़्यादा होगी। तो निश्चित रूप से सभी जो एजेंट बंधु हैं, सभी एडवाइजर्स हैं, उनसे हमारी ये प्रार्थना है कि आप पहले से अधिक सतर्क होकर लोगों को सर्विसिंग देते रहें और निश्चित रूप से आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है और आने वाले समय में LIC पॉलिसीज़ की सेल बहुत अधिक होने वाली है और जो नए नए चेंजेस आने वाले हैं वो भी निश्चित रूप से पॉजिटिव होंगे और एजेंट्स के हक में होंगे और आने वाले समय में एजेंट्स इसका पूरा पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो LIC की पॉलिसी की सेल बढ़ने वाली है तो आप तैयार रहें इसके लिए। और जो पैसे लोग बचा रहे हैं PPF में और ELSS में और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से जो लोग पैसे बचा रहे हैं उसको प्रयास करें LIC की तरफ लाने के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज की तरफ लाने के लिए। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लोगों के फ्यूचर को सिक्योर बनाएं, उनको समझाएं कि क्यों उनके लिए LIC ज़रूरी है, क्यों उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज ज़रूरी है। क्योंकि उनके पास पैसे बच रहे हैं, वो PPF या दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, टैक्स बचाने के लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनको LIC की तरफ मोड़ना, इंश्योरेंस पॉलिसीज की तरफ लाना ये सभी एडवाइजर्स का दायित्व है और उनको इस तरफ लाने का प्रयास करें। फाइनटेक गाइड की टीम यहाँ क्या बताना चाहती है, निश्चित रूप से आप यह समझ गए होंगे और उम्मीद है कि आप पॉजिटिवली आगे की ओर बढ़ेंगे। तो फाइनेंस, इंश्योरेंस और पब्लिक लाइफ से जुड़े वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू।